जो कि बसंत कुंज में है एंड वी हैव द प्लान टू वॉच द मूवी एट 6 और मूवी है 3-2। तो मतलब अभी हम निकल चुके हैं अराउंड 1 बजे एंड आई फील दैट हम वहाँ पे जाके खाना खाएंगे एंड देन वी आर गोना वॉच द मूवी, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं DLF प्रोमेनाड बसंत कुंज और मूवी के अंदर तो अभी बहुत टाइम है, यानी कि जो मूवी है हमारी वो है 6 बजे की, लेकिन हम जो है यहाँ के थोड़ा लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि मॉल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ, अभी मैं अंदर से आपको एक्सप्लोर करता हूँ कि मॉल जो है वो कितना बढ़िया है ये। और अभी यहाँ पे हमने थोड़ा सा लंच वगैरह करना है, थोड़ा जल्दी आ गए थे कि आज घूम लें, जन्माष्टमी आज ही मना लें हम। और ये सोनिया जी हैं, आ गई हैं ये भी मॉल में और ये भी मॉल घूमना चाह रहे थे, तो मैंने कहा इनको भी घुमा देते हैं मॉल। तो अभी अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मॉल कितना बढ़िया है। और फ्रेंड्स हम आ गए हैं मॉल के अंदर और मॉल के अंदर का जो माहौल है वो एकदम ज़बरदस्त है, क्योंकि पूरी जो यहाँ पे फीलिंग है वो साउथ एक्स की फीलिंग आ जाती है, एकदम ज़बरदस्त सी। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे शोरूम है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, आप देखिए चारों ओर एकदम मस्त कलंदर टाइप। तो अभी हम चलते हैं फूड कोर्ट के अंदर और वहाँ पे लंच करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर आगे जो है वो मूवी स्टार्ट हो जाएगी और मूवी देखते हैं कि 3-2 मूवी कैसी है। फ्रेंड्स वैसे एक्चुअली है क्या कि ये जो मॉल है ना वो लेंथ में बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें आउटलेट जो भी फूड आउटलेट्स, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ तो आपको बताता हूँ, वहाँ पे फूड आउटलेट्स भी हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो शोरूम्स हैं वो सारे के सारे ज़बरदस्त शोरूम्स हैं और लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त है इस मॉल की कि मज़ा ही आ जाता है घूमने के अंदर। मैं पहले भी आया हूँ मूवी के लिए, आई थिंक यहाँ पे जो हैं वो 7 ऑडीज हैं जिसमें से एक ऑडी आज हमारा भी होगा जो 3-2 मूवी के लिए है। और मूवी तो बढ़िया बता रहे हैं, बाकी देखने पे पता चलेगा कैसी मूवी है। और लेकिन जो मतलब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं ना कि रॉयल्टी, गजब वाली रॉयल्टी वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे मॉल्स वगैरह मतलब मॉल्स के अंदर जो शोरूम्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि देखते ही मज़ा आ जाता है। तो अब बस ये इधर उधर हो रहे हैं थोड़ा सा शोरूम वगैरह में और उसके बाद में अब हम फूड कोर्ट में पहुँचने वाले हैं। फ्रेंड्स अब जो हैं वो हम फूड के लिए स्टार्ट हो गए हैं और ये सोनिया जी हैं जो ये सागर रत्ना से, नहीं हल्दीराम से, सॉरी सागर रत्ना के साथ में मैं कंफ्यूज हो गया था, हल्दीराम से इन्होंने ऑर्डर कर दिया है। और पहले भी हम ले आए हुए हैं तो हमने फूड लिया हुआ है तो होता तो फूड इनका बहुत बढ़िया है, तो अब आज दोबारा खा के देखते हैं कि फूड का टेस्ट वैसा ही है या कुछ बदला तो नहीं है, कहीं पता चले कि फूड का टेस्ट ही बदल गया है। और मैं दिखाऊँ यहाँ पर आपको, ये है ये, यहाँ से हमारी एंट्री होनी है जब हमने मूवी के लिए जाना है और मूवी है 3-2। आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए पहले मेरी ये देखो कैसे मम्मी के आने में भी टाइम है। अद्वित खिला दो दीदी को। फ्रेंड्स अब जो है वो हमने लंच कर लिया है और ऑलमोस्ट जो है सोनिया जी वॉकमैन इंटरेस्टेड है,
विंडो शॉपिंग और मम्मी की वेट कर रहे हैं, और उसके बाद में 6 बजे जो है हमारी मूवी स्त्री 2 रेडी हो रही है, और उसके बाद में मूवी में जाएंगे। और अभी थोड़ा घूमते हैं क्योंकि मॉल बहुत बढ़िया है, और देखते हैं कि शायद ये हमें कुछ आज जन्माष्टमी का कुछ खरीदवा दें, शायद कुछ शॉपिंग करवा दें हमें। तो आइए घूमते हैं एक बार थोड़ा मॉल के अंदर और देखते हैं क्या है, क्योंकि जो आउटलेट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, वेरी नाइस आउटलेट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स अब हम वेट कर रहे हैं मम्मी की, और उसके बाद में मूवी की भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मूवी जो है वो स्टार्ट होनी है कितने बजे से, 6 बजे स्टार्ट होनी है, और स्त्री 2 देखने के लिए हम बहुत बेताब हैं। और ये आप मॉल देखिए, ये मैं खड़ा हूँ ऊपर फूड आउटलेट के बाहर, और मॉल जो है वो एकदम खास सा मॉल है, बहुत ही बढ़िया। देखिए पूरा मैं दिखा रहा हूँ आपको, एकदम ज़बरदस्त ऊपर से एकदम बहुत ही बढ़िया, और पब्लिक भी जो यहाँ है, जेंट्री भी वो इतनी बढ़िया आई हुई है, मतलब वेरी नाइस मॉल, 100 में से 100 मार्क्स मैं दूंगा इस मॉल को। और अब इंतज़ार हो रहा है बस कि मम्मी आ जाएं फटाफट से, और हम जो है वो मूवी के अंदर एंट्री करें। एंट्री करते हैं तो अब दादी का पता नहीं यार कब तक आएंगी, वैसे निकल तो गई हैं, वो गाड़ी में है मेरे ख्याल से, कैब कर लिया उन्होंने, देखते हैं कब तक आएंगे। और ये जो सोनिया जी जो हैं वो मैं बताता हूँ, अपनी मम्मी के साथ में बातों में लगी हुई हैं, लेकिन बातें कर क्या रही हैं वो मेरे को फ्रेंड्स पता नहीं है, कुछ बातें जो है वो हमारे व्यूवर्स को भी बता दें। बातें कर रहे हैं सब, मम्मी बता रही है कि मुझे भी कोई कह रहा था कसौली जाने के लिए, तो मैंने ना फिर मना कर दिया, मम्मी कहते हैं कि मेरे को बच्चों के साथ ही आना पसंद है, क्योंकि बच्चों के साथ मैं फ्रीली आती हूँ, मजे भी करते हैं, बहुत सही एंजॉय भी करता है। तो आप एक बात करें, एक स्त्री 2 पिक्चर कैसे देख सकते हैं? स्त्री 2 में अब पता चलेगा वो स्त्री है या वाकई में कोई भूत है, विच है कोई, ये तो अब स्त्री 2 में ही सकती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स स्त्री 2 मूवी में। हम आ गए हैं क्योंकि मम्मी जी हमारी आ गई हैं, और उनका बैग हम गाड़ी में रख के आए हैं, और भाग भाग के आए हैं ताकि हमारी पिक्चर जो है स्त्री 2 मिस ना हो जाए। और हमने एंट्री कर ली है, और ये देखिए जो अंदर का व्यू है जबरदस्त वाला, ये सारे फूड आउटलेट्स अंदर भी हैं, और ऐसे ही कुछ फूड आउटलेट्स जो थे वो बाहर भी थे। यहाँ पे अभी हमने लंच किया था, और इसके बाद हमने अब एंट्री कर ली है, और इसके अंदर जो है वो हम आ चुके हैं। देखिए अब स्क्रीन 4 है हमारी, अब स्क्रीन 4 कहाँ है वो आगे पता चलेगा, स्क्रीन 4 की साइड है उस साइड, ओके उस साइड है। तो अब हम स्क्रीन 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, और रिव्यू आपको हम जल्दी देंगे कि कैसा रिव्यू है हमारी प्यारी पिक्चर स्त्री 2 का। तो फ्रेंड देखिए, यह है DLF प्रोमिनाज, उसमें इतनी सारी स्क्रीन है, मैं स्क्रीन 5 के सामने हूँ, और 4th नंबर स्क्रीन मेरी है, और भी ये सारी स्क्रीन हैं, और एकदम अंदर से बढ़िया सा बना हुआ है। सुल्तान जी का जी यहाँ पे फोटो सेशन कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और हमारी स्क्रीन 4 है जो कि दूसरी साइड है, और ये लोग जो हैं ये लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, और अभी फिलहाल जो है वो बातों का मजा उठा रहे हैं, ये बैठे हुए यहाँ पे सारे, और अभी इसके बाद में स्क्रीन नंबर 4 से यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो है वो स्त्री मूवी देख के हम लोग सब बाहर आ गए हैं, और एक बार ये सारे जो हैं वो हम लोग एक बार रिव्यू देंगे। तो बताइए सोनिया जी आपको कैसा लगा है? अच्छी लगी, वेल स्टोरी लाइन थोड़ी ठीक ठीक थी, और बाकी कैरेक्टर्स अच्छे थे, और जो मजाक था वो भी अच्छा था, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, और राजकुमार राव इज फेवरेट वन जी। उदांती का जी आप बताइए, रियल एक्टर है, अंदर से फीलिंग आती है, बिल्कुल जी। उदांती का जी बता दो, राजकुमार राव इज लाइक यू नो जस्ट सो जेन्युइन एक्टर, और उसको हमें देखनी चाहिए।
And you know what, like, I wasn't thinking ki aisa kuch hoga, but like, it was totally apart from what I thought. So, yeah, again, a must. Yeah, हाँ जी आओ जी आओ मम्मी आप बताओ जी मम्मी आप बता दो आप बता दो आप बता दो आप अद्विती बता दी सारे बच्चे देख सकते हैं अगर किसी को ज्यादा डर लगता है तो वो नहीं देख सकते बिल्कुल नहीं था हमारे जो पोते साहब है थोड़े डर पर ऐसा कुछ नहीं था अभी तो डरा ही नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी कोई मूवी नहीं थी ऐसी हाँ जी बढ़िया मूवी और हंसी मजाक था थी, बिल्कुल मूवी बहुत गुड बहुत ही बढ़िया मूवी थी और मतलब वन टाइम मस्ट वॉच है नहीं बिल्कुल आप लोग सब लेके आए हो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मूवी थी मैं बोलूंगा कि जरूर देखनी चाहिए और जो राजकुमार रॉय इज अ मतलब बहुत ही बढ़िया एक्टर है बहुत ही बढ़िया श्रद्धा कपूर तो है ही ऑसम तो अब इसके बाद में हमारा प्लान है थोड़ा डिनर का तो एक बार सोचते हैं कि यहाँ डिनर करते हैं या फिर बाहर जाते हैं तो फ्रेंड्स अब हम डिनर के लिए आ गए हैं मोतीबाग गुरुद्वारे के पास में क्यूडीज में और रेस्टोरेंट में ऑलरेडी हम पहले आए हुए हैं और इसका खाना बहुत बढ़िया है और इसके जो तंदूरी मोमोज हैं वो भी बहुत लाजवाब हैं तो आइए एंट्री करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं क्यूडीज के अंदर और सोनिया जी जो है वो हमें जन्माष्टमी की पार्टी दे रही है और एडवांस में और कह रही है भरपूर भोजन कर लो यहाँ पे आप और यहाँ पे जो है वो इनके तंदूरी मोमोज जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं तो वो मतलब खाने जा रहे हैं और अद्वित जी कुछ खाना चाहते हैं अद्वित जी आप कोई डिमांड है आपकी तो बता दो अपनी मम्मी आपकी मतलब जन्माष्टमी की पार्टी दे रही है ये क्यूडी जो है ये मैंने बताया है जैसे ये है मोतीबाग गुरुद्वारे के पास में और ऑलरेडी सोनिया जी यहाँ पे आई हुई है और फूड बहुत अच्छा है और ऑर्डर दिया आपने सो हे फ्रेंड्स हम घर आ चुके हैं एंड यू नो वी हैड अ वेरी लाइक नाइस एज वेल एज हेक्टिक वीकेंड क्योंकि हमने लाइक बाहर खाना भी खाया मूवी भी देखी एंड हमने फिर से खाना खाया सो या इट वॉज अ लॉन्ग वीकेंड एंड वी एंजॉयड अ लॉट तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं खत्म ओके सो स्टे ट्यून्ड ओके बाय